तो अभी हम हैं केम रोड और सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाके वाली रोड। संगम जोश हमने शुरू किया था 1995 में, मेरे पापा ने शुरू किया था। और यहाँ पे सबसे फेमस आइटम जो है हमारा एक स्पेशल गब्बागब। उसको इतना पसंद करना शुरू कर दिया कि हमने उसको एक फनी वे में नाम दे दिया गब्बागब। तो अंदर चलते हैं। ये हमारा फलूदा हो गया, केसर को पहली बार मैंने ऐसे देखा है। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आई एम मेहता विथ यू एंड दिस इज द माय यूट्यूब चैनल, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम हैं केम रोड, बीकानेर की सबसे पॉपुलर रोड और सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली रोड। कहा जाता है कि अगर बीकानेर में से केम रोड को निकाल दिया जाए तो बीकानेर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये वो केम रोड है, ये संगम जूस एंड बेकरी। तो इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। तो ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है, तो चलते हैं। तो बिना वक्त गवाए आप चलते हैं संगम एंड जूस एंड बेकरी। और यहाँ से अंदर जा रहे हैं आप, तो ये संगम जूस एंड बेकरी में आ गए। आपका? हेलो, आई एम रितिका मोदी, डॉटर ऑफ सुरेंद्र कुमार मोदी। संगम जूस हमने शुरू किया था 1995 में, मेरे पापा ने शुरू किया था। और यहाँ पे सबसे फेमस आइटम जो है हमारा एक स्पेशल गब्बागब। गब्बागब एक्चुअली में हम लोग फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और क्रीम के साथ एक डिश देते थे। उसके बाद लोगों ने उसको इतना पसंद करना शुरू कर दिया कि हमने उसको एक फनी वे में नाम दे दिया गब्बागब। और हमारे यहाँ पे रबड़ी फलूदा, माखनिया लस्सी, पपीता शेक और भी काफी चीजें फेमस है। हमारे यहाँ पे सारे बेकरी आइटम्स आपको मिल जाते हैं एंड सारा फास्ट फूड भी है। बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग हमारा खुद का रहता है और सारे टाइप के जूस, शेक सब कुछ आपको मिल जाता है। केम रोड की काफी फेमस शॉप रही है हमारी और गब्बागब से ही स्पेशली हमारी शॉप फेमस है काफी। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार मोदी। सुरेंद्र कुमार जी, तो ये संगम रेस्टोरेंट के ओनर है। चलो, तो अभी ये क्या बन रहा है? राजभोग गब्बागब बन रहा है। इसमें तीन टाइप की आइसक्रीम डलेगी, ये स्पेशल कुल्फी डलेगी इसमें। चलो बिल्कुल। केसर कुल्फी को पहली बार मैंने ऐसे देखा है। अच्छा। हाँ, सब्जी की तरह कटी करते हैं। शरबत, ये खसखस शरबत, ये टूटी फ्रूटी, बस और भी लजीजे। ये हो गई आपकी राजभोग गब्बागब। ये राजभोग गब्बागब। अब रबड़ी फलूदा बताते हैं। वो हमारा दोस्त कहाँ गया, ये उसको देते हैं। मेरा तैयार हो रहा है अभी, तो अंदर चलते हैं। ये हमारा फलूदा हो गया, तो ये राजभोग गब्बागब, ये राजभोग गब्बागब और ये अपना फलूदा बैठ के खाएंगे। तो दरवाजा खोलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वन सेकेंड अपन खाते। हाँ, ये जगह ये यहाँ रखते हैं। रबड़ी फलूदा, राजभोग गब्बागब। इसको जो बनाने की जो है ना टेक्निक, वो बहुत अलग। तो लेकिन मुझे पसंद है फलूदा, तो मैंने फलूदा ऑर्डर किया और इसने राजभोग गब्बागब। तो खाते हैं, शानदार। ये आपको भी दिखाना चाहूंगा मैं, दिखने में कितना लजीज है। देखो ये, देखो भाई साहब, ये देखो राजभोग गब्बागब। माहौल कितना शांत लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आवाज आ ही नहीं रही केम रोड की। लेकिन ये जब शीशे हटाई जाएंगे और फिर गाड़ियों की ट्रैफिक की जो आवाज आएगी ना, सब पता चलेगा, तब पता चलेगा कि कितनी बिजी रोड है वो। जितना शांत दिख रहा है उतना शांत है नहीं। ये मंचूरियन आ गया और ये मोमोज, तो भी खाएंगे। चलो, पहले कौन ऐसा बंदा होगा जो पहले आइसक्रीम फलूदा खा के मंचूरियन और मोमोज खा रहे हैं? मैंने बचा के रखा है, ये हम ही खा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास मंचूरियन है और मोमोज है, तो सबसे पहले तो खाएंगे अपन, खाते हैं मोमोज। ये चटनी में डालते हैं, वो चटनी डिपेंड करता है कि कौन से मोमोज अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। इसी बात पे खा के टेस्ट करके देखते हैं। तो इसमें दो दो चटनियां हैं, एक तो ये स्पाइसी चटनी, तो फलूदा तो शानदार ही आता है। फलूदा का तो ये होता है कि जैसे कि इस रेस्टोरेंट में जब एंटर करते हैं तो दिखने में पता लग जाता है कि यहाँ का शेक, यहाँ का फलूदा, यहाँ की आइसक्रीम। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक छोटा सा कैफे है और इसमें यहाँ के मतलब फास्ट फूड इतने अच्छे होंगे। अच्छी चीज़ें, सॉफ्टनेस काफ़ी अच्छी है और मोमोज तो अच्छे है ही। और चटनी, मोमोज की चटनी, मेरे को तो राजभोग गब्बागब, राजभोग गब्बागब, इसने गब्बागब कर लिया। इसमें जो फ्रूट्स थे, आइसक्रीम थी, मतलब एकदम मस्त हो गया शरीर।
मजा आ गया। हाँ इतनी देर से गर्मी में धूप में घूम रहे थे, गबा कब खाया उसके बाद लगा मतलब अब ठंडक आई है शरीर में, जान में जान आई है, थोड़ी मतलब ठीक था, बढ़िया था। हाँ इसमें स्पाइसी था, मतलब चटनी ना थोड़ी स्पाइसी, बाकी जो मंचूरियन थी मंचूरियन मतलब बढ़िया था। हाँ तो फास्ट फूड आपको अच्छे लगेंगे जो फास्ट फूड के शौकीन है, तो अगर आप फलूदा खाना चाहते हो, अगर आइसक्रीम खाना चाहते हो तो आप यहाँ आए, और अगर आप फास्ट फूड खाना चाहते हो तो यहाँ एक छोटा सा कैफे है संगम का ही, संगम रेस्टोरेंट का छोटा सा कैफे, तो आप यहाँ आए और यहाँ के फास्ट फूड को ट्राई करें। मेरा नाम वर्षा है। तो सस्ता कैफे कब आपका खुला था? मैंने सस्ता कैफे हो गए 3 साल हो गए खुले हुए, पहले विश्वकर्मा गेट पे है कैफे मेरा पूरा। अच्छा, और यहाँ पे अभी स्टार लगाए हुए 8 महीने हुए मुझे। 8 महीने? हाँ जी। कब से कर रहे हो? मुझे हो गए 5 साल हो गए इस काम को। 5? मैं बना रही हूँ पनीर तंदूरी सैंडविच। यहाँ पे फूड इतना सस्ता है कि आपको बिकने में कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ के जो भी कस्टमर आते हैं तो सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की रहती है? यहाँ पे हमारे कस्टमर की पनीर टिक्का पिज्जा की डिमांड रहती है सबसे ज्यादा। पनीर टिक्का पिज्जा की? हाँ जी। हमारा टाइमिंग है यहाँ पे शाम को 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक का। स्विगी जोमेटो वगैरह सब है, तो आप घर बैठे भी यहाँ के जो भी आइटम है तो वो मंगवा सकते हो। यहाँ का एड्रेस है रेलवे ग्राउंड अम्बेडकर सर्किल, जस्ट पास में फोन कटी है ठीक सामने। मैं रेसिपी नहीं बता सकती। वो नहीं, शाहरुख जैसे लोग घर पे बना के लेंगे। तो ये हमारे पास है पनीर तंदूरी सैंडविच। तो अभी हमारे साथ था अनिल, तो उसको क्या रिहर्सल में जाना था, तो वो अपनी रिहर्सल में चला गया, तो वो चला गया, तो ये हमारे लोधी साहब ये आ गए, तो ये हमें कंपनी देंगे। तो सैंडविच ट्राई करते हैं क्योंकि गर्म है, ठंडा ना हो जाए उससे पहले ट्राई करते हैं। सही बोला कि नहीं? सही बोला ना? सही बोला, बराबर बोला ना बेडू? हाँ तो ट्राई करते हैं, चलो तो ट्राई करते हैं। ये सैंडविच है, ये सैंडविच देखो दिखने में कितना लजीज है, पनीर भरा हुआ है पूरा पूरा, ये देख सकते हो, इसको खोल के भी दिखा सकता हूँ मैं। ये देखो भाई साहब दिखने में कितना लजीज है, देखो पनीर सैंडविच में पनीर बाहर झांक रहा है, पनीर कह रहा है मेरे को बाहर आने दो मुझे खा जाओ, ऐसा रहता है। ऐसा माहौल नहीं होता है कि एक ऑकवर्ड माहौल होता है ना जहाँ लेडीज नहीं जा सकती, तो वैसा माहौल नहीं, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है, तो आप चाहो तो इसको स्पाइसी भी करा सकते हो, नॉर्मली भी करा सकते हो मेरी तरह, जैसे कि ज़्यादा स्पाइसी आपको चीज़ें खानी पसंद नहीं है, सूटेबल हो वैसा आप ऑर्डर दे सकते हो और वैसा बन सकता है। तो शाहरुख का हो गया है, मेरा भी हो गया है, अब जाने की तैयारी है। मुझे वो वाली सीखी खा दी। कैसी? वो थी ना यार सेलिब्रिटी वाली। सेलिब्रिटी वाली? हां तो आप सेलिब्रिटी हो, आप सेलिब्रिटी हो। क्या नाम है? मेरा नाम श्वेता कुमावत है। हम लोग कुछ टाइम पहले ही आए थे ऐसे ट्राई करने के लिए इसका टेस्ट कैसा है, तो हमने इसका टेस्ट, हमने पिज्जा और बर्गर खाए थे, उनका टेस्ट हमें वाकई बहुत अच्छा लगा, इसलिए आज हम सेकंड टाइम दोबारा आए। आपने 10 दिन पहले जो चीज ट्राई की थी वो पिज्जा और बर्गर था। अच्छा, तो उसी चीज को आप दोबारा दोहरा रहे? नहीं, आज हमने मतलब पिज्जा में थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ दूसरे टाइप का लिया, और उस दिन बर्गर था, आज हमने सैंडविच लिया, तो उसका सैंडविच का टेस्ट भी काफी अच्छा लगा हमें, और वैसे उस दिन बर्गर का भी टेस्ट अच्छा था। हाँ। और अभी जो पिज्जा टेस्ट करके देखेंगे उसका भी पता चलेगा, उस दिन वाला बहुत अच्छा था। हाँ। लिटरली जो आज पता चलेगा खाके कि वो कैसा है। हाँ। पर जहाँ तक हमें ये लगा कि इनका टेस्ट अच्छा है, बेटर, इनका टेस्ट अच्छा है, तो जो भी लोग हैं, तो हमारा जो व्लॉग देख रहे हैं, तो आप आके अगर बीकानेर में रहते हो तो आके आराम से यहाँ सस्ता कैफे में आके एंजॉय करके विद फैमिली खा सकते हो, आराम से बैठ के इसको लिटरली एंजॉय कर सकते हो, अच्छा है, काफी अच्छा है। तो आप आइए और यहाँ की चीजों को ट्राई कीजिए, आप सस्ता कैफे समझकर ऐसे अंदाजा मत लगाइए कि यहाँ का जो टेस्ट आएगा वो भी सस्ता आएगा, सैंडविच सस्ता है लेकिन टेस्ट महंगा है, क्वालिटी और क्वांटिटी सब बराबर है, सब बराबर है, तो दोस्त इतना कह रहा है तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए। तो मुझे भी अच्छा लगा, इसको भी अच्छा लगा, तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहे ताकि हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने और लेके आते रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।